सब्सक्राइब करें आईटी क्राफ्ट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकॉन को दबाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, अगर आपके बच्चे बहुत ज्यादा कंप्यूटर यूज करते हैं तो क्या होगा अगर आप कुछ इस तरह की रिस्ट्रिक्शन लगा दें कि आप बच्चों को स्पेसिफिक टाइम आवर जो है वो दे दें, फलां टाइम से फलां टाइम तक जो है बच्चों को कंप्यूटर की एक्सेस होगी, उसके अलावा आप घर पर मौजूद हैं या नहीं है वो कंप्यूटर को लॉग इन भी नहीं कर सकेंगे। जब भी वो पासवर्ड डालेंगे अकाउंट का तो कंप्यूटर कहेगा कि ये आवर्स जो है आपको अलाउ नहीं है काम करने के लिए। उसके लिए दोस्तों हमने करना क्या है कि हमने दूसरा अकाउंट क्रिएट करना है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो डेस्कटॉप नजर आ रहा है ये मेरा पर्सनल है और मैं चाहता हूँ कि दूसरा अकाउंट क्रिएट कर दूं जिसमें ये डेस्कटॉप भी उन बच्चों को नजर ना आए और उन बच्चों का डेस्कटॉप अलग से होना चाहिए। तो उसके लिए दोस्तों हमें दूसरा अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा और उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी कि किस तरह जो है बच्चे स्पेसिफिक टाइम आवर्स जो है वो यूज कर सकते हैं कंप्यूटर, उसके अलावा वो यूज नहीं कर सकते। और बच्चों को ये भी एक्सेस नहीं होगी कि वो कंप्यूटर का पासवर्ड चेंज कर सकें या फिर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकें या अनइंस्टॉल कर सकें। तो चलिए दोस्तों मैं कंट्रोल पैनल में चला जाता हूँ। तो ये जो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ विंडोज 7 से बता रहा हूँ, विंडोज 7 में आपको इस तरह ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप विंडोज 10 यूजर हैं तो आपको इस तरह ऑप्शन नहीं मिलेंगे कि आप इस तरह पेरेंटल कंट्रोल सेट कर सकें। उसके लिए दोस्तों अगर आपने विंडोज 10 में भी इस तरह टाइम सेट करना है बच्चों का और अकाउंट क्रिएट करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह जो है विंडोज 10 में बच्चों का स्पेसिफिक टाइम आवर्स दे सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों बच्चों का जो अकाउंट होगा वो अगर आप चाहें तो उसकी इंटरनेट एक्सेस भी बिल्कुल बंद कर सकते हैं ताकि वो इंटरनेट भी सर्फ ना कर सकें और गेम्स भी आप जो अलाउ करेंगे वही गेम्स वो खेल सकते हैं, उसके अलावा दूसरी गेम्स भी वो प्ले नहीं कर सकते। तो दोस्तों अगर आपको नहीं पता कि इंटरनेट की एक्सेस बिल्कुल कंप्यूटर से बंद किस तरह करते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए दूसरे लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि इंटरनेट की एक्सेस किस तरह ब्लॉक करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम अपने किड्स का अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए कंट्रोल पैनल में जाता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ सेटअप पेरेंटल कंट्रोल फॉर एनी यूजर। यहाँ पे दोस्तों मुझे एक यूजर देखने को मिल रहा है जिसका नाम है यूजर और वो है कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर यूजर। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मैं क्रिएट अ न्यू यूजर अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं कोई भी नाम दे देता हूँ जो बच्चों का अकाउंट मैंने क्रिएट करना है। मैं यहाँ पे किड्स लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ क्रिएट अकाउंट। अब दोस्तों यहाँ पे मेरे पास किड्स का अकाउंट आ गया, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको स्टैंडर्ड यूजर मिलेगा और यूजर जो मेरा पहले से है उसका यूजर नाम है और उसको यहाँ देखने को मिलेगा कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर। तो इसका मतलब जो स्टैंडर्ड यूजर है वो आपका जो है प्रोग्राम कोई भी इंस्टॉल या अनइंस्टॉल नहीं कर सकता या कोई भी पासवर्ड चेंज नहीं कर सकता, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर को सारी एक्सेस होती है। तो चलिए उसके अलावा भी हम जो है किड्स को डिफरेंट वैरायटी जो है हम पेरेंटल कंट्रोल की सेट कर देते हैं। उसके लिए मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ किड्स के अकाउंट पे और यहाँ पे आप देखें तो पेरेंटल कंट्रोल ऑन या ऑफ है, मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ ऑन। यहाँ पे दोस्तों हमारे पास कुछ टाइम लिमिट्स हैं, टाइम लिमिट, गेम्स और अलाउ एंड ब्लॉक स्पेसिफिक प्रोग्राम। यहाँ पे दोस्तों आप कोई भी प्रोग्राम जो है ब्लॉक भी कर सकते हैं और अलाउ भी कर सकते हैं। किड्स कैन यूज ऑल प्रोग्राम्स और यहाँ दूसरे नंबर पे हमारे पास है किड्स कैन ओनली यूज द प्रोग्राम आई अलाउ। इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से टिक करते जाएं, जो सॉफ्टवेयर आप बच्चों को अलाउ करते हैं वही सॉफ्टवेयर वो यूज कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं। अगर यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपको नजर आ रहे हैं जो भी आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हैं। जैसे मैं EMS2 को कर देता हूँ सिलेक्ट यहाँ पे, तो ये EMS2 को यूज कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं। क्रोम को जो है मैं रहने देता हूँ, अगर मैं क्रोम को सिलेक्ट नहीं करता तो बच्चे जो है क्रोम भी ब्राउज नहीं कर सकते। यहाँ पे ऐड आप ब्राउज करके ऐड भी दे सकते हैं, यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम का पाथ जो आप यहाँ पे जिस फोल्डर में डायरेक्टरी है वो अलाउ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ओके कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास प्रोग्राम्स तो अलाउ हो गए हैं कौन कौन से प्रोग्राम बच्चे यूज कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो टाइम लिमिट्स हैं, ये जो है दोस्तों इसमें सबसे अच्छा फीचर है कि आप टाइम आवर सिलेक्ट कर सकते हैं कि बच्चे किस टाइम से किस टाइम तक जो है कंप्यूटर यूज कर सकें और कौन से दिन। उसके बाद दोस्तों आप घर पर हैं नहीं है, बच्चे जो है कंप्यूटर यूज नहीं कर सकते। अलाउ जो होगा वो इस तरह का बॉक्स होगा व्हाइट और जो ब्लॉक्ड होगा टाइम आवर वो ब्लू करते जाएं। आप जिस टाइम आवर को आपने ब्लॉक करना है, यहाँ से मैं जल्दी से इसको कर देता हूँ ब्लॉक और कुछ को कर देता हूँ अलाउ। यहाँ पे दोस्तों मैंने तकरीबन डेज और आवर्स जो है ब्लॉक कर दिए हैं, सिर्फ संडे का जो है 1 से लेकर 4 बजे तक ये 3 आवर जो है 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4 ये मैंने इनको अलाउ कर दिए हैं। संडे वाले दिन मेरे बच्चे जो है 1 से लेकर 4 बजे तक कंप्यूटर यूज कर सकते हैं, अदरवाइज वो एक्सेस नहीं कर सकते। इसको मैं कर देता हूँ ओके और सेव।
उसके बाद यहाँ पे प्रोग्राम लिमिट्स हैं, गेम रेटिंग है, यहाँ पे इसको मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे किड्स कैन प्ले गेम्स, अगर आप यस पे क्लिक करेंगे तो आपके बच्चे गेम्स खेल सकते हैं, अदरवाइज नो पे क्लिक करेंगे तो आपके बच्चे जो हैं नहीं खेल सकते। यहाँ पे सेट गेम रेटिंग है, ब्लॉक और अलाउ गेम बाय रेटिंग एंड कंटेंट टाइप, यहाँ पे अपनी गेम जो है रेटिंग के हिसाब से भी आप अलाउ या ब्लॉक कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे यहाँ पे नीचे देखें तो ब्लॉक और अलाउ स्पेसिफिक गेम, इस पर क्लिक करके आप स्पेसिफिक गेम जो है आप अलाउ कर सकते हैं। मेरे पास कोई गेम नहीं है इस वक्त तो यहाँ पे नो गेम्स इंस्टॉल नजर आ रहा है, अदरवाइज यहाँ पे आपको लिस्ट नजर आएगी, जो भी गेम आप सिलेक्ट करके बच्चों को देना चाहते हैं वो उनको अलाउ कर दें, बाकी रहने दें। ओके कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों ये जो किड्स का है हम इसको असाइन कर देते हैं पासवर्ड के, इस अकाउंट का पासवर्ड क्या होगा, आपके अकाउंट का अलग पासवर्ड का और इस अकाउंट का जो है बच्चों के अकाउंट का अलग से पासवर्ड है। यहाँ पे आप चले जाएं यूजर अकाउंट्स में, मैनेज अनदर अकाउंट्स, और यहाँ पे आपको सारे अकाउंट नजर आ रहे हैं। मैं किड्स को कर देता हूँ सिलेक्ट और यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्रिएट अ पासवर्ड, यहाँ पे मैं पासवर्ड रख देता हूँ 123, दूसरे नंबर पे कंफर्म कर देता हूँ और यहाँ पे हिंट में कोई भी पासवर्ड दे देता हूँ जो भी हिंट्स रखना है। यहाँ पे हमारे पास सारा सेटअप जो है कंप्लीट हो चुका है बच्चों के अकाउंट का। चलें दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।